10 नवंबर से लेके 24 दिसंबर तक आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे सोल्जर जर्नल ड्यूटी एंड सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर के। इस चीज की ध्यान रखिएगा, क्या ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पे है, क्या इस वैकेंसी में पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जी नहीं, आप इसमें पूरे भारत से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये एक स्टेट की भर्ती आई है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि और भी स्टेट्स की भर्ती आई हुई है, शायद आप लोगों को उसके बारे में पता ना हो, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन इसके पहले जान लीजिए जो आज की भर्ती है इसमें सोल्जर जर्नल ड्यूटी और सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेके 21 सालों तक है और सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर में 17.5 साल से लेके 23 सालों तक है। आपको बताना चाहूंगा इस वैकेंसी के लिए जो लोग अप्लाई कर पाएंगे वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होंगे, वो होंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से, जो कि हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना, इन हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। 9 जनवरी 2020 से लेके 20 जनवरी 2020 में ग्राउंड में ये रैली होगी, जिसकी रजिस्ट्रेशन 10 नवंबर से 24 दिसंबर शुरू होगी। आप लोग अगर किसी और स्टेट से हैं तो मैं आपको बोलना चाहूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट samajayaka.in का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करें और इस पेज पे आए। आपको इस पेज पे आने के बाद देखिए यहाँ पे इंडियन आर्मी की और भी बहुत सारी ऑल इंडिया लेवल पे 12th ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसियां मिल जाएंगी, और अगर आप क्लर्क स्टोर कीपर जैसी वैकेंसियों के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और आपको पूरे ऑल इंडिया की भर्तियों के अपडेट यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है वो भी यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी और लिंक भी अप्लाई का मिल जाएगा। यहाँ पे आना बहुत आसान है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेट बताई होती है, डिस्ट्रिक्ट बताई होती है और नोटिफिकेशन का लिंक दिया होता है और लास्ट डेट दी होती है, तो आप लोग जल्दी से जरूर अप्लाई करें इस वैकेंसी के लिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई करते हैं जनरल ड्यूटी के लिए तो मिनिमम आपकी 10th पास विद 45% और 33% हर एक सब्जेक्ट में होना जरूरी है। अब बात करते हैं क्लर्क स्टोर कीपर, तो इसमें 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम में चलेगी, लेकिन आपके 60% ओवरऑल टोटल मार्क्स होने चाहिए और एक एक सब्जेक्ट में आपके 50% होना बहुत जरूरी है, और आपने इंग्लिश एक सब्जेक्ट और इसके साथ या मैथ्स हो जाए या अकाउंट्स हो जाए या बुक कीपिंग हो जाए, ये 12वीं के अंदर पढ़ा होना बहुत ही जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी जेसीओ रिलीजियस टीचर, हवलदार एसएससी की भी वैकेंसी है, इसमें तो ऑल इंडिया से लोग अप्लाई जरूर करें। साथ में इंडियन गोरखा ऑल कैटेगरी वालों को यहाँ पे हाइट में 157 की छूट है और ट्रिबल वालों को 162 की छूट है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, नीचे हम बढ़ते हैं कुछ कैटेगरी के लिए। अगर आप किसी सर्विसमैन के बेटे हैं, एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं या वार विडो के बेटे हैं, वार विडो होती है विधवा, ठीक है, याद रखिएगा, जिनके पति जो थे वार में शहीद हुए थे, या फिर वार विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन है, तो भी आपको 2 सेंटीमीटर की हाइट में, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में, 2 वेट में छूट मिल जाएगी केजी में। अगर आपको किसी ने गोद भी लिया है और आर्मी से रिलेटेड है तब भी आपको सेम छूट यहां पे मिल जाएगी। और अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिसने इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है और फर्स्ट सेकंड पोजीशन हासिल की है, उनको भी यहां पे छूट मिलेगी चेस्ट में 3 सेंटीमीटर और 5 केजी की वेट में। दोस्तों इस रैली में आप लोगों को रनिंग करनी है 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर, फिर आपको मिलेंगे 60 मार्क्स, और अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के ऊपर चले जाते हैं और 45 सेकंड के पहले करते हैं तो फिर आपको मिलेंगे 48 मार्क्स। आपके पुलअप्स होंगे जो डंडे के ऊपर लटकना होता है, ये मैक्सिमम 10 होते हैं, अगर आप 10 मार देते हैं तो 40 मार्क्स, 9 मारेंगे तो 33 मार्क्स मिलते हैं, 8 मारेंगे तो 27 मार्क्स मिलते हैं, 7 मारेंगे तो 21 मार्क्स मिलते हैं और 6 मारेंगे तो 16 मार्क्स आपको मिलते हैं। इसमें 9 फीट का डिच होता है, जंप लगाना होता है, ये सिर्फ आपने क्वालिफाई करना है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलता, और एक जिगजैग बैलेंस होता है, डंडे के ऊपर चल के दिखाना है बस। इसमें याद रखिए अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए जाते हैं तो आपको फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट है उस पर ज्यादा फोकस करना है, और क्लर्क स्टोर कीपर में आपको रिटन पे जो है वो ज्यादा फोकस करना है। अब हम यहां पे बात करते हैं नीचे क्वालिफिकेशन और सॉरी डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने हैं, तो आपको एक एडमिट कार्ड लेके जाना है अच्छे पेपर पे और उसको फोल्ड नहीं करना है, और 15 फोटोस कॉपी सॉरी
20 कॉपीज लेके जानी है फोटोज अनअटेस्टेड, सिर्फ वो खिंचवा के आप चले जाइएगा, और अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट जैसे डिप्लोमा हो गया, मार्कशीट आपके पास है वो ले जाइए, बोनाफाइड हिमाचल सर्टिफिकेट यानी कि इसे डोमिसाइल कहते हैं हम वो लेके जाइए, जिसे मूल निवास भी कहते हैं, अगर कोई डोगरा कास्ट है तो वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाए, रिलीजियस माइनॉरिटी सबके लिए नहीं होता, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट ये भी दोस्तों आप पुलिस का या सरपंच का जो बनता है वो ले जाइए, जिसका भी आपका चलता है वो ले जाइएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट एक ही लेना होता है, यहाँ पे दो लिखे होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, अनमैरिड सर्टिफिकेट जो लोग 21 सालों से कम होंगे वो अनमैरिड सर्टिफिकेट यहाँ पे लेके जाएंगे, लेस देन 21 ईयर, और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एनसीसी नहीं चाहिए, स्पोर्ट्स सबको नहीं चाहिए, और एफिडेविट होता है जो कि तहसील से बनता है 10 रुपए का, ये सबने लेके जाना होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको ये एफिडेविट नहीं लेके जाना, ये सबने लेके जाना है, और सिंगल बैंक अकाउंट बुक या पैन कार्ड या आधार कार्ड इसमें से कोई भी एक चीज जरूर देके जाइएगा। तो ये है पूरी की पूरी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल, और कैंडिडेट को रिपोर्ट करना है 1 बजे रात के, इस चीज का ध्यान रखिएगा, 3 बजे गेट तकरीबन बंद हो जाएंगे, तो जल्दी से इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कीजिए, और अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता तो आप हमारी ये वीडियो जो है हमने बताई है आपको यहाँ पे, आप इसे कंप्लीटली देख सकते हैं, और आपको फुल गाइड यहाँ पे किया गया है, साथ में मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस देख रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने में, तो आप लोग जरूर वो वीडियोस भी देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?